खबर डूंगरपुर से है, जहां पर अस्पताल की तोड़फोड़ और डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल मामला बताया जा रहा है कि एक परिवार अपने मरीज को अस्पताल दिखाने के लिए सुबह 4 बजे आया, जहां पर अस्पताल के गेट बंद होने पर वहां का स्टाफ बाहर आया और उसने यानी नींद का हवाला और डॉक्टर नहीं का हवाला बताते हुए मरीज को वापस ले जाने की बात कही, जिसके बाद में स्टाफ परिजन गुस्सा और अस्पताल के साथ तोड़फोड़ की। इसके बाद में डॉक्टर के साथ भी मारपीट का मामला सामने आया। देखिए पूरी खबर। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत डूंगरपुर शहर के विजयगंज कॉलोनी में एक निजी अस्पताल में तोड़फोड़ व डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मरीज को दूसरी जगह ले जाने का कहने से गुस्साए परिजनों ने पहले अस्पताल में तोड़फोड़ की, फिर डॉक्टर से भी मारपीट की। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। दरअसल शहर के विजयगंज कॉलोनी में स्थित उपासना जीवन रक्षा हॉस्पिटल में आज सोमवार तड़के करीब 4 बजे कुछ लोग एक महिला मरीज को लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल का मेन गेट बंद था। मरीज के परिजनों ने गेट खटखटाया, इस पर हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ उठा और गेट खोला। स्टाफ ने डॉक्टर के बाहर से आने की वजह से अभी सोने की बात बताकर मरीज को दूसरी जगह ले जाने को कहा। इस पर मरीज के परिजन गुस्से में आ गए और मेन गेट पर लगे कांच को तोड़ दिया। हंगामा बढ़ने पर हॉस्पिटल के ऊपर ही घर में सो रहे डॉक्टर काशीनाथ दास नीचे आए। एक युवक ने डॉक्टर की नाक पर मुक्का मार दिया, इससे डॉक्टर के नाक से खून बहने लगा। हंगामे की आवाज़ सुनकर कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए और बीच बचाव करने लगे। घटना की सूचना पर कोतवाली थाने में SI अमृतलाल, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह बल्लभ राम मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने मौके पर हंगामा कर रहे गिरीश कलाल निवासी झाकोल, रॉकी कलाल निवासी बस्सी, नरेश कलाल निवासी शिवाजी नगर डूंगरपुर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 3 युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। डॉक्टर की ओर से अभी तक कोतवाली थाने में किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। वहां पे उन लड़कों ने मारपीट स्टार्ट कर दी कि नहीं आप क्यों खोल के रखे, इस तरह का अमानवीय व्यवहार हमारे साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे घूंसे से मारा, जिसके चलते मेरे नाक के नस फट गए, ये आप देख सकते हैं। हमें भी एक मानवीय अंदाज में देखना चाहिए डॉक्टरों के प्रति। अगर डॉक्टर के पास तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो पहले वो तबीयत ठीक हो तो ही ना दूसरे को इलाज कर सकता है।